अच्छा यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार है, हाथ उठा दो यार। सब बेरोजगार है, रोजगार है ही नहीं कहीं पे भाई। मोदी जी अब उनकी उम्र खत्म हो गई है, अब उनके उम्र नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। कोई पढ़ा लिखा आदमी पहुंचना चाहिए उस पर। कौन कौन? कोई भी पहुंचना चाहिए, सक्षम आदमी पहुंचने। वो बकते हैं वो। राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए हैं। राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठीक है भाई, राहुल गांधी ठीक है। भारत देश को विश्वगुरु बना रहे हैं वो। अरे विश्वगुरु तो पहले था, अब कहाँ है? अब नहीं है। विश्वगुरु तो पहले था, अब कहाँ है? विश्वगुरु होता तो लोग विदेश से यहाँ पढ़ने आते, यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते पढ़ने? मंदिर मस्जिद लेके बैठो, पहले रोजगार चाहिए हमको। अब अगर हमें रोजगार न मिले, हम मंदिर में घंटा बजा कमाएंगे? रोजगार चाहिए हमें, रोजगार चाहिए, घंटा मंदिर नहीं चाहिए। हाँ अरे जब पैसा भगवान खुद ही है, जब पैसा ना भूखे मरते भगवान की पूजा करी। मोदी तो किसानों को कहते थे कि आय दोगुनी हो गई, आय दोगुनी हो गई। 2000 रुपए देने से कोई आय दोगुनी नहीं हो जाएगी। अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो देश की सरकार और जनता भूखे मर जाएगी। मोदी जी कैसे लगे 9 साल में? एकदम बेकार, एकदम भद्दा सरकार है। उससे सही तो कांग्रेस सरकार थी। 24 में कौन बैठेगा दिल्ली में ये बताओ? भाजपा बैठेगी, कांग्रेस बैठेगी? भाजपा तो नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी। जहाँ तक भाजपा नहीं आएगी, नहीं बिल्कुल। अरे आप लोग बीजेपी से नाराज है तो हाथ उठा दीजिए। तो आपने तो देख ही लिया कि भाजपा से सब नाराज है। जैसे यहाँ का जो मत है वो अभी निर्णय हो गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, इस समय मैं फैजाबाद लोकसभा में मौजूद हूँ, अयोध्या फैजाबाद। बीजेपी के यहाँ पर सांसद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या माहौल है 24 को लेकर के। 24 की जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, इंडिया अलायंस हुआ है। इंडिया और एनडीए तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी जनता के बीच में आए हैं। 24 में क्या माहौल है? 24 का क्या माहौल होगा? बिल्कुल सारा अंधेर चौपट नगरी हो गया है, बिल्कुल हर जगह देखिए तो। पढ़ाई के स्तर पे कितनी फीस बढ़ रही है, कितनी जो है दिक्कतें आ रही है लोगों को पढ़ाने के लिए। कोई गरीब आदमी मजदूरी करके ISP से अधिकारी कर्मचारी बना सकता है अपने बच्चों को? बताइए हमको। मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक हो गया है। कहे क्या ठीक हो गया, दिखाए ना क्या ठीक हो गया है। 5 किलो राशन देखे ठीक हो गया है, 2000 रुपए KCC पे देखे या और चीजों पे देखे क्या ठीक हो गया, क्या ठीक हो गया बताइए हमको। तो कितना चाहिए? 10 किलो चाहिए क्या? 10 किलो नहीं चाहिए हमको, सिर्फ शिक्षा फ्री चाहिए। ठीक है, शिक्षा फ्री चाहिए। जो इतना एजुकेशन लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है, अबे हमारे बच्चे अगर पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो जाए ISP अधिकारी के लिए, कहाँ से पैसा लाएंगे मजदूरी करने वाले इंसान बताइए आप। अगर मान लो हम 500 रुपए कमाते हैं डेली, चलो ठीक है, अगर मान लो 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए लग रहा है बच्चे का पढ़ाई के लिए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे हम, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? क्या व्यवस्था दी है उन्होंने? आप लोग युवा हैं, रोजगार वगैरह है भाई? देखिए रोजगार सिर्फ जैसे जो ये एक निम्न तबका है ना, उससे आप रोजगार की बात मत करिए। जो इनके जो शवर हैं, जो आज जो मेन मेन जगहों पे हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, रोजगार उनके लिए है। रोजगार जिसे जो इंसान सरकारी नौकरी के लिए ढूंढता है, उस समय आप जिसे हर चीजों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं। प्राइवेट क्यों करते जा रहे हैं, इसकी भी वजह है। जैसे अब जैसे आप सरकारी कामों में देखेंगे अपना जैसे अवसर ढूंढने के, तो वहां पे संविधान में आपको दिया गया है रिजर्वेशन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। लेकिन जैसे अब वो जो आरक्षण इतने समय बाद मिला भी है कुछ वर्गों को, तो वो उनको गढ़ रहा है, उनकी आंख में चुभ रहा है कि आरक्षण इनको क्यों मिल रहा है। तो इसीलिए वो चीजों को जैसे आरक्षण को डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने व्यवस्था बनाई कि अगर हम जैसे सरकारी चीजों को प्राइवेट कर देंगे, तब वहां पे प्राइवेट जगह पर आरक्षण नहीं मिल सकता। मतलब आपके अनुसार बीजेपी के राज में दलितों बहुजनों को नौकरी नहीं मिल रही सरकारी? बिल्कुल नहीं। शुभ नाम आपका? पिंटू यादव। क्या माहौल है यहाँ पर फैजाबाद में, विकास हुआ है यहाँ पर? विकास के नाम देखे मतलब हर जहाँ, पहली बात सड़क तो सही नहीं ना, सड़क सही नहीं है बिल्कुल, हर जगह गड्ढा है और मतलब रोजगार पहली बात देना जिसमे रोक। कमाई बढ़ गई होगी ना आपकी? अरे कमाई बढ़ गई, यहाँ परेशान है, पैदल नहीं चले पैसा महंगाई बता रहे यार। सरकार कह रही है कमाई बढ़ गई है आपकी महाराज। अरे भैया कुछ बहुत कुछ बतावा थे, मंदिर मस्जिद लेके बैठो, जय घंटी वहीं बजाओ। फैजाबाद में अयोध्या के आदमी को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? पहले रोजगार चाहिए हमको, अब अगर हमें रोजगार न मिले, हम मंदिर में घंटा बजा कमाएंगे? रोजगार चाहिए हमें, रोजगार चाहिए, घंटा मंदिर नहीं चाहिए। हाँ
अरे जब पैसा भगवान खुद ही है, अरे पैसा ना भूखे मरते भगवान की पूजा करी। रोजगार चाहिए, पहले रोजगार चाहिए। फैजाबाद के अभी आदमी अब रोजगार मांग रहा है, पहले रोजगार मंदिर बाद में आता है, बाद में मंदिर है, पहले रोजगार चाहिए हमको। राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, कैसे क्या ठीक कर रहा है वो। अरे राजनीति करेंगे क्यों, यात्रा निकाले क्यों, क्या करेगा उससे हमसे मतलब नहीं ना, हमें रोजगार से मतलब है। तो भाजपा रोजगार नहीं दे रही है यहाँ पे। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे जितने भी हमारा बैकवर्ड समाज है, उस अभी कितने लोग यहाँ पे जितने बैकवर्ड हैं उनसे पूछ लीजिए उनकी स्थिति क्या है। वो ना तो किसी सचिवालय में, ना किसी कोई सरकारी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, बताइए भैया, अगर आप लोग बीजेपी से नाराज है तो हाथ उठा दीजिए। तो आपने तो देख ही लिया कि भाजपा से सब नाराज हैं। जैसे यहाँ का जो मत है वो अभी निर्णय हो गया है। यहाँ आप यहाँ गए हैं, आप ऐसे पिछड़े समाज में और कहीं भी चले जाइएगा, आपको इससे ज्यादा ही पिछड़ा भाजपा से नाराज है। पिछड़ा पूरी तरीके से भाजपा से। देश के प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, मोदी कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, आपके केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कह रहे हैं मैं पिछड़ा हूँ, स्वतंत्र देव सिंह है, अनुप्रिया पटेल है केंद्रीय मंत्री, ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद है, सब पिछड़े ही तो है महाराज जी। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए सुनिए, देखिए जैसे वो पिछड़े हैं तो जैसे उनके कहने से कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर वो कह दे कि पिछड़ा बहुत आगे जा रहा है, पिछड़ा रिजर्वेशन लेके तमाम चीजों में आगे जा रहा है। अगर आपको इतनी क्लैरिटी लानी है तो जो पिछड़ा इतने दिन से कह रहा है जाति आधारित जनगणना कराइए, उनसे इनकी क्यों इतनी दिन से 1931 के बाद से आज तक जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई भाई? सारी जात के पास कितनी नौकरी, कितनी जमीन, कितनी शिक्षा, सब नजदीक हो जाएगा। इनके कहने से कोई सच्चाई नहीं बन जाएगी। अच्छा, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, दलित समाज से आते हैं वो। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा होगा? देखिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो जैसे अगर वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, अभी मेरे राजनीतिक जैसे जानकारी में वैसे बहुत ज्यादा चीज उनके बारे में नहीं, तो हम उनके लिए कोई जैसे निर्णय नहीं बता सकते। अच्छा, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी कैसे काम कर रहे हैं? देखिए एक होता है कि कोई लाठी से मारे, एक होता है कोई डंडे से मारे। तो अभी जो परिस्थिति बनी है बीजेपी की, वो लाठी से मारने वाली है, वो सवर्णों की पार्टी है। लेकिन जब कांग्रेस की पार्टी बन जाएगी तो सवर्ण उसमें भी रहेंगे, वही लोग डाइवर्ट होकर उसमें चले जाएंगे। तो फिर अभी जैसे एक वो लाठी मार रही है, कांग्रेस आएगी तो डंडा। कौन चाहिए फिर आपको? एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, ना तो मुझे कांग्रेस चाहिए ना भाजपा चाहिए। लेकिन अभी आज के समय पे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो लड़ाइयां हैं वो अभी कांग्रेस सही स्थिति में है उसमें। कांग्रेस लड़ेगी जी, कांग्रेस लड़ेगी। 24 में बदलाव होगा कि नहीं होगा? 24 में बदलाव अभी कुछ निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज के एक साल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो बीजेपी को इतना भरोसा था कि वो अभी चाहे तो उसी समय चुनाव करके चुनाव जीत सकती। लेकिन एक साल बाद अभी चुनाव को भी लगभग 10-12 महीने हैं, लगभग 10 महीने, तो अभी राजनीति स्तर पे उसे कुछ नहीं कहा। आप चाहते हैं बदलाव, आप बताइए। जी बिल्कुल चाहते हैं बदलाव हो, पूरी तरीके से बदलाव होना चाहिए। 2024 में पूरा चुनाव का परिणाम बदलना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। महंगाई है चाचा, महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, बहुत ज्यादा। तो कमाई बढ़ गई होगी आपकी, 5 किलो राशन मिल रहा है आपको? राशन दे के हमको राशन देते हैं, लेकिन उसके बाद में हमको तेल में, सिलेंडर में हमसे उससे ज्यादा निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं, ज्यादा निकाल लेते हैं। महंगाई जो किए हुए हैं हमसे, उससे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। हर महीना जोड़ लीजिए पेट्रोल का, हम 30 लीटर पेट्रोल भराते हैं, 40 रुपया लीटर तेल था, 100 रुपया लीटर कर दिए हैं, उसपे कोई डाउन किए पैसे उसको? मोदी जी किसानों के खाते में पैसा भेजते हैं 2000 रुपया। मोदी जी अब उनकी उम्र खत्म हो गई है, अब उनके उम्र नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। कोई पढ़ा लिखा आदमी पहुंचना चाहिए उसपे। कौन कौन? कोई भी पहुंचना चाहिए, सक्षम आदमी पहुंचे, वो बकते हैं। राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए हैं, राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठीक है भाई, राहुल गांधी ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 24 में बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा, बदलाव होगा, हाँ बदलाव होगा। और बीजेपी जो 9 साल में बेमिसाल काम किया उसका क्या? कुछ नहीं किया, हम लोग देखते हैं सिर्फ आँख में गर्दा पड़ता है, आँख में गर्दा पड़ता है, आँख में गर्दा, गड्ढे में जितना अभी जाओगे रोड पे, आप शीशा खोल के जाना, आपको मालूम हो जाएगा। खाना किस पे बनता है? गैस चूल्हे पर बनता है कि लकड़ी पे बनता है? खाना बनता है हमारे पास, लकड़ी भी बनता है, गैस सिलेंडर भी बनता है। चूल्हा सस्ता कि महंगा है? नहीं सिलेंडर महंगा पड़ रहा है।
फिर भी खरीद रहे हैं? खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी है। क्यों घर पे मना करते क्या बनाने खाना? जब जब पिछली सरकार थी तो 400 रुपए का था तब, कांग्रेस में, कांग्रेस में आज 1200 रुपए का हो गया है। आज कितनी दाम कितना बढ़ गया है? तो अच्छे दिन में तो आ गए आपके? अच्छे दिन तो बिल्कुल नहीं, कमाई बढ़ी होती तो अच्छे दिन होते। जब नहीं आए अच्छे नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? हम लोग नौकरी प्राइवेट काम कर रहे हैं, कितना लेबर मिल रहा है आप जोड़ लीजिए। बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बच्चे पढ़ रहे हैं जी, कैसे भी भगवान भरोसे पढ़ रहे हैं। इतनी फीस महंगी हो गई है, लोग पढ़ाना क्या क्या चाचा आगे, ये क्या माहौल है? सरकार ने आपको रोजगार दिया है? क्या रोजगार दिया बताइए ना? नहीं दिया। क्या दिया है? मजदूरी कर रहे हैं ये रोजगार है? अपनी जो है खून पसीने की कमाई ले रहे हैं ये रोजगार है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाय का ठेले का पकौड़ा लगाइए, मतलब पकौड़ा ठेले लगाइए। तो कहाँ लगा दे, डस्ट में लगा दे? इतना डस्ट उड़ रहा है, लगा देंगे खाएंगे आप? कैसे खाएंगे बताइए? कोई सुरक्षित जगह रह गई है बताइए? कैसे प्रधानमंत्री है मोदी जी, 9 साल में कितना विकास किया है? शहर में चले जाइए, कहीं जो है ना स्टैंड है गाड़ी खड़ी करनी, ना पार्किंग, क्या व्यवस्था है? मोदी जी 9 साल में कैसे लगे, 10वां साल चलने वाला, कैसे लगे मोदी? क्या लगा? कोई खास नहीं लगा है, नहीं लगे, कोई खास नहीं लगा है। अरे देश को विश्वगुरु बना रहे हैं वो? अरे विश्वगुरु तो पहले था, आप कहाँ है? अब नहीं है। विश्वगुरु तो पहले था, आप कहाँ है? विश्वगुरु होता तो लोग विदेश से यहाँ पढ़ने आते, यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते पढ़ने? अभी G20 सम्मेलन हुआ है, 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ दिल्ली तो में। क्या हुआ, दिक्कत हुई? तो जैसे कोई जब बेच के जब रख रहे हैं अपने जेब में तो आएंगे बुलाएंगे। क्या बेच रहे हैं वो? क्या नहीं, एयरपोर्ट बेच दिए, तमाम चीज बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, स्कूल में लोग यही हाल हो रहा है। कह रहे हैं प्राइवेट इसलिए कर रहा हूँ कि फायदा होगा। जैसे बच्चे लोग पढ़ लिख कर जब कुछ नौकरी चाकरी नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? खाना किसे बनता है घर पे? खाना हमारे यहाँ लकड़ी से बनता है। मोदी का सिलेंडर नहीं मिला? मिला है, कभी ले लेते हैं आपातकाल के लिए, एक दो बस आपातकाल के लिए। आपातकाल के लिए जैसे कोई मान लो अचानक आप रिश्तेदार हैं, आ गए तो गैस कौन जले, मतलब चूल्हा कौन जले, तो रख लिए। रिश्तेदारों का खाना बनता है चूल्हे पर? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ चाय वगैरह के लिए। चाय वगैरह बस, जैसे मान लो हाँ मैं जैसे अब आप आ गए तो क्या करेंगे, चूल्हा थोड़ी ना, चूल्हा जाने में टाइम लगे, तो चाय बनाना है तो बन गया, बाकी खाना लकड़ी। राहुल गांधी कैसे नेता है? अब राहुल गांधी जो भी हैं ठीक हैं, अब जो होगा बाद में देखा जाएगा। 24 में बदलाव देखते हैं कि फिर भाजपा सरकार? नहीं, बदलाव तो चाहिए, जरूरी से जरूरी है बदलाव। बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव तो बहुत जरूरी है। कितना नंबर देंगे भाजपा को 10 में से? अब क्या दे दें सर, तो नंबर उम्बर से क्या हो जाएगा, उनका नंबर से क्या कोई मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़ जाएगा? नहीं, आप कितना खुश हैं, नाराज हैं बताएं? हम दे देंगे 2%, और क्या चाहिए, और क्या भाई। रोजगार वगैरह है? रोजगार तो अभी कुछ नहीं है। नहीं है? गुटखा खाते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी कदार गुटखा खाते हो? कभी कदार हो जाता है, कभी कभी जी। क्या लगता है युवा किसके साथ है? युवा तो इस समय जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी के साथ। भाजपा अच्छा काम कर रही है? अभी जैसे रोजगार अभी तो मौके कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है, बस वही। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी पहले तो ठीक थे, अभी 2-4 साल से थोड़ा गड़बड़ काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी है जो किसान की। किसान की परेशान है? परेशान है। हमारा 5 बीघा खेत है, हम कभी उसको रूंधने नहीं जाते थे, और आज 2 साल से उसमें लगभग 50,000 रूपए का खूंटा तार लगाकर रूंध के खेती कर रहे हैं। मतलब हमारा जो अन्य जानवर है, हमारा जो अन्य जानवर है, सबसे ज्यादा दिक्कत हमें इससे है। परेशान है आप? परेशान है बहुत ज्यादा किसान आदमी इससे। मोदी तो किसानों को कहते थे कि आय दोगुनी हो गई, आय दोगुनी हो गई, 2000 रुपए देने से कोई आय दोगुनी नहीं हो जाएगी। अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो देश की सरकार और जनता भूखे मर जाएगी। तो किसानों की सरकार नहीं सुन रही है? किसानों की सरकार अगर सुनती तो गाजीपुर, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, गुजरात सभी लेकर वहाँ धरना प्रदर्शन इतने दिन से ना दिए होते। कम से कम 200-300 आदमी वहाँ मर चुके हैं। अभी एक थार थी जो भाजपा के ये नेता थे, चढ़ा के लेके हुए चले गए, उनको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी में। और किसान इस बार भाजपा के साथ है कि नहीं है? किसान भाजपा के साथ नहीं, ना किसान यूनियन भाजपा के साथ में है। सब जितने भी किसान यूनियन है, किसान है, सब इस समय अपने अपनी पार्टी जैसे जो जिसको जान रहा है। राहुल गांधी कैसे नेता है? लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप जैसे नौजवानों से मिल रहे हैं। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी हम भी देख रहे हैं, पर उनको अभी पहले से जो उनका जो काम था वो हमारे समझ में, हम जिससे जब से हो समा रहे हैं तब से भाजपा की ही। आप भाजपा को वोट देते थे? हम तो बता दो, तो आगे हम ऊपर, हम तो बहन मायावती को देते हैं, मायावती जी को देते हैं, और चाहते हैं वही बने और अच्छा। मायावती अब शांत हो गई हैं, एक्टिव शांत हो गई। इस समय आकाश आनंद जी आ गए हैं और हमारे सबसे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रामवाड़ी जी आ गए हैं, उन दोनों को साथ में आप लोग साथ में, अगर वो दोनों जुड़ जाएंगे तो हम चाहते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद रामवाड़ भाई दोनों बन नहीं रही है यार, बन नहीं, यही दिक्कत है, जो बन नहीं रहे। जो बहन मायावती जी हैं वो थोड़ा नाराज हैं चंद्रशेखर भैया जी,
कुछ ताकि उनकी कुर्सी छिन जाएगी, रावण बड़े हो गए तो। बस चंद्रशेखर भाई, राजा रावण भाई का दरअसल फ्लोर फाइंग जितना भी है बढ़ रही है धीरे धीरे, और उनका धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इसी वजह से उनको डर है कि हमारी सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। और रोजगार वगैरह है भाई आप लोगों के पास? रोजगार है नहीं है? रोजगार बिल्कुल नहीं है सर, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं रोजगार, एक परसेंट रोजगार नहीं है। हम लोग एज निकलती जा रही है हम लोग की, 1% रोजगार नहीं है। अभी एज 19 साल 20 साल एज हो रही है, 22-23 में खत्म हो जाएगी। ना भर्ती आ रही ना कुछ, यूपी पुलिस की तैयारी 2-3 साल हो गए करते करते, एक वैकेंसी भी नहीं आई। मोदी जी कैसे लगे 9 साल में? एकदम बेकार, एकदम भद्दा सरकार है, उससे सही तो कांग्रेस सरकार थी। इधर आ जाओ, घूम के आ जाओ, इधर आ जाओ। कांग्रेस बढ़िया थी एकदम, उससे लाख गुना अच्छी है बीजेपी से कांग्रेस। कांग्रेस 24 में आएगी कि नहीं आएगी? अब वो तो जनता के ऊपर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता है, भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, एक अच्छी मतलब वो है। यूपी आने वाले हैं, वो आना चाहिए यूपी? हाँ आना चाहिए भाई, सब आते हैं, आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है अयोध्या अपना। और सरकार फ्री का राशन दे रही है तो 5 किलो, उससे 5 किलो से क्या होता है? 5 किलो से कुछ नहीं होने वाला है। 10 किलो चाहिए? कुछ नहीं, एकदम 10 किलो में 10 किलो ले ले, ये खा ले, एक महीने खा पाएंगे वो, एक महीने कुछ नहीं होता। राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए एकदम। क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, राशन चाहिए भैया? रोजगार चाहिए, रोजगार रोजगार चाहिए। तो सरकार तो भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है, राशन भी दे रही है। अरे 10 किलो में क्या होता है? चल जाएगा महीने का राशन, चल जाएगा 10 किलो में, 10 किलो में चल जाएगा महीने का राशन। रोजगार मिला कि नहीं मिला ये बताओ? रोजगार नहीं मिला, हम लोग 4,500 रुपए में काम कर रहे हैं। 4,500 रुपए में? 4,500 रुपए महीना? महीना स्कूल पे गाड़ी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कितना कमाते हैं भाई आप? 5-6 हजार रुपए हम जा रहे हैं एक महीना। एक महीना और क्या? क्या काम करते हो? लेबराई का काम कर रहे हैं। घर चल जाता है? घर नहीं चलता, वैसे अपना चलाना पड़ता है। चलो राशन तो सरकार दे ही रही है, क्या दिक्कत है? राशन दे रही है, इसमें क्या होता है? और भी तो खर्चे हैं घर के। सिलेंडर भी तो दे रही है? कहाँ सिलेंडर मिल रहा है? फ्री वाला नहीं मिल रहा है सिलेंडर? उज्ज्वला योजना वाला नहीं मिल रहा है कुछ? शौचालय? शौचालय चले कुछ नहीं है। घर? घर तो हमारा है। घर सरकार ने बना हुआ नहीं है? नहीं घर नहीं दिया सरकार, सरकार ने कुछ नहीं दिया? नहीं नहीं कुछ नहीं। भाजपा 9 साल में कैसी लगी? बेकार, कोई समाधान नहीं हुआ उसका। मोदी जी कैसे लगे? अरे मोदी जी हमारे को समाधान नहीं हो रहा तो मोदी जी का क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। तो 24 में बदलाव होगा कि फिर भाजपा सरकार? अब देखो क्या होता है। क्या लगता है भाई रोजगार वगैरह? रोजगार वगैरह देखो है, है? है? क्या करते हो? क्या करते हो? काम करते हैं। महंगाई? महंगाई भी है। महंगाई भी है, रोजगार भी है? रोजगार के वही 300-400 रुपए कमाते हैं दिन का। और क्या? अच्छा महंगाई तो सही नहीं है यार, सरकार कह रही है नहीं है। अब महंगाई देखा जाए 300-400 रुपए में ज्यादा है महंगाई। ज्यादा है? और भाई साहब बात करते हैं, भाई साहब रोजगार वगैरह है? कुछ नहीं है भाई साहब। कुछ नहीं, बढ़िया तान के बाइक से घूम रहा है, पेट्रोल भरवा के रोजगार नहीं है? मेरी है ही नहीं है। आपकी नहीं है? नहीं, हम केवल बैठे हैं बस। बस बैठे हैं बस बस। 24 में कौन बैठेगा दिल्ली में ये बताओ? भाजपा बैठेगी कांग्रेस बैठेगी? भाजपा तो नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी जहाँ तक। भाजपा नहीं आएगी? नहीं बिल्कुल। अरे 9 साल में काम इतना कर दिया कि भाजपा ही आएगी यार, कह रही है। काम नहीं किया है भाई, कुछ काम नहीं किया है। नहीं किया कुछ? यहाँ जितने भी लड़के हैं सब बेरोजगार हैं। अच्छा यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं, हाथ उठा दो यार। सब बेरोजगार हैं? रोजगार है ही नहीं कहीं पे भाई, है ही नहीं है रोजगार? नहीं है? नहीं भाई नहीं है। नहीं रोजगार है? कोई रोजगार नहीं है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बस रोजगारी का है। किसान खुशहाल है क्या? किसान कोई खुशहाल नहीं है? कोई खुशहाल नहीं है? किसान तो खुशहाल ही नहीं है, किसान तो खुशहाल ही नहीं है। 2,000 रुपया मोदी का ले रहे हो? नहीं ले रहे हो? कुछ नहीं मिल रहा। नहीं ले रहे? नहीं मिल रहा। अरे 2,000 रुपया जो मिल रहा है उससे ज्यादा तो गाय खा ले रही है। जाके देखिए गाय खा ले रही है और क्या, तार बांधने नहीं दे रहे हैं। अरे आप थोड़ी देर रोड पे निकल के देखिए ना कितनी गाय खा रही है, देखिए थोड़ा निकल के देखिए भाई। मोदी कैसे लगे 9 साल में? पता नहीं भाई, पता नहीं, समझ में नहीं आया 9 साल में कुछ। चलिए लोगों से बातचीत हुई, फैजाबाद लोकसभा है यहाँ पर, यूपी लगता है। डबल इंजन की सरकार की बात होती है, डबल इंजन दिल्ली और लखनऊ से जोर लगता है तो यूपी को बहुत आगे जाना चाहिए। बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि बहुत विकास हुआ है, गांव के लोग लगातार कह रहे हैं कि काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, महीने की 3,000-4,000 की सैलरी मिलती है, घर कैसे चलेगा,
खाना जो है लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। बहुत सारे सवाल है, जवाब आप भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी वीडियो और कौन से मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करनी चाहिए, और क्या सच में 24 में बीजेपी सरकार आने वाली है या बदलाव होगा। राहुल गांधी यूपी आने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर, उससे कितना फर्क पड़ेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, दलित चेहरा है, उससे भी कितना फर्क पड़ेगा। बहुत सारे सवाल है, जवाब आप दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए नमस्कार।